हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज चलिए, आज आपके लिए बहुत प्यारी सी हम कैप बनाएंगे। तो आप किसी भी साइज की बना सकती हैं, बहुत ही प्यारी कैप है। तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी कैप बनकर आएगी। तो मैं छोटे बेबी के लिए कैप बनाकर रखी हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारी डिजाइन है और पैटर्न इस तरीके से बनकर आएगी। तो आप भी इस तरीके से बना सकती हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे और बनाते हुए नीचे को आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनकर आएंगी। तो आप अपनी अकॉर्डिंग कलर ले सकती हैं। तो देखिए मैं पिंक कलर से बना रही हूँ और क्रोशिया हुक यूज कर रही हूँ 11 नंबर की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले इसको हम गांठ लगा लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम गांठ लगा लेंगे। उसके बाद से देखिए धागे को हम लेंगे और सर्कल में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से किसी भी साइज की आप बना सकती हैं गाइज। आगे मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरीके से बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 1 2 3 तीन चैन लेंगे हम। उसके बाद देखिए सर्कल में डालेंगे और 15 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए एक सर्कल में डालते हुए 15 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो गाइज मैं ये 10 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। बनने के बाद आपको पता लगेगी किस तरीके से हमारी कैप बनकर आई हुई है। तो देखिए इस सर्कल में डालकर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से काउंट करते जाएंगे। चलिए मैं 15 डबल क्रोशिया बनाकर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनकर आ जाएगी। इस धागे को हम नीचे कर लेंगे। देखिए हमने धागे को इस तरीके से टाइट कर लिया है। और उसके बाद से देखिए ये हमारी जो चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे और ज्वाइंट कर लेंगे, यानी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। और देखिए आगे जो हमारी ये आ रही है चैन, देखिए बीच में हम डालेंगे इसके और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद से देखिए ये हमारी डबल क्रोशिया जो आ रही है, देखिए ये वाली आगे वाली उसके, तो इसको इस तरीके से हम पीछे से धागा निकालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए जो आगे वाली आ रही है इसमें हम ऊपर से डालकर बनाएंगे। इसके बाद देखिए हमने जो आगे से बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद से देखिए इसको हम पीछे से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 एक पैटर्न में 3 बनकर आ रही है। तो देखिए फिर इसको हम ऊपर से बनाएंगे। देखिए हमने जो ऊपर से पैटर्न बनाई हुई है तो उसके पास वाली चैन देखिए यहाँ पे जो आ रही है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए उसके बाद से देखिए इसको हम नीचे से बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए फिर हम इसको ऊपर से बनाएंगे, और जो हम ऊपर से बना रहे हैं उसके पास वाली चैन में डालेंगे देखिए इस तरीके से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसको हम नीचे से बनाएंगे। इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको हम ऊपर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसके पास वाली चैन में हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस इस राउंड को हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद देखिए ये हमारी लास्ट है। तो देखिए इस ये डबल क्रोशिया हमने नीचे से बनाई हुई है, तब ये हमारी ऊपर से आएगी। तो देखिए इसमें हम डालेंगे इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। देखिए और 2 1 2 हमारी डबल क्रोशिया में धागे आ रही है। और देखिए ये वाली हमारी चैन आ रही है, चैन जो हमने बनाई हुई है इसमें ऊपर से हम डालेंगे
और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे, देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद से देखिए इसको हम फिर नीचे से बनाएंगे। देखिए हमने फर्स्ट राउंड में वन डबल क्रोशिया नीचे से बनाई थी, अब हम दो बनाएंगे। तो हर रो में हमारी एक एक डबल क्रोशिया हर एक एक पैटर्न में बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने दो बनाया नीचे से। उसके बाद से देखिए ये हमारी ऊपर से आ रही है, तो इसको हम ऊपर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसके पास ही जैसे हमने फर्स्ट राउंड बनाया ऊपर से बनाया, उसके बाद से इसके पास ही वाली चेन में डालकर हमने डबल क्रोशिया बनाया। उसके बाद से देखिए फिर इसको हम नीचे से निकालेंगे धागे को, डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो। तो देखिए हमारी चौड़ाई इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। और देखिए इसको फिर हम ऊपर से बनाएंगे, जो हमारी ऊपर से पैटर्न आ रही है। उसके बाद देखिए पास वाली चेन में डालेंगे इसके आगे वाली और डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारी देखिए एक और ये दो, इसको हम नीचे से बनाएंगे। तो देखिए हर रो में हमारी एक एक डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी। अब सेकेंड राउंड में हमने दो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो थर्ड राउंड में तीन बन कर आएगी। देखिए एक दो, एक दो हमारी डबल क्रोशिया बनकर आ गई है। फिर देखिए ये हमारी ऊपर से आएगी, तो इसको हम ऊपर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पास में ही हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद से देखिए इसको हम नीचे से बनाएंगे। देखिए हमारी दो दो आ रही हैं बनके एक एक पैटर्न में, इसको हम ऊपर से बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको थर्ड राउंड में बताती हूँ। हम इसी पैटर्न को आगे रिपीट करेंगे, तो आपको मैं थर्ड राउंड में बताती हूँ इसको कंप्लीट करके। चलिए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस इस राउंड को हमने कंप्लीट कर ली है। के बाद से देखिए यहाँ पे हमारी हमने दो डबल क्रोशिया नीचे से बना लिए है, तो ये हमारी ऊपर से आएगी बनकर। तो देखिए इस तरीके से हम डालेंगे ऊपर से और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए हमारी दो धागा यहाँ पे रहेगी। उसके बाद देखिए ऊपर वाली जो चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे और इस तरीके से हम निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए एक दो तीन चैन बनाएंगे और देखिए इसके पास वाली चैन में हम डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हमारी तीन डबल क्रोशिया बनकर आ गई है, एक दो तीन। अब तीन डबल क्रोशिया में हम नीचे से बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए तीन डबल क्रोशिया हमारी बन गई है और ये चैन हमारी ऊपर से आ रही है, तो इसको हम ऊपर से बनाएंगे। और देखिए इसके पास वाली देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद देखिए हमारी तीन डबल क्रोशिया बनकर आ रही है, एक दो तीन, तो इसको हम नीचे से बनाएंगे। तो हर रो में हमारी एक एक पैटर्न में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ती जाएगी। अब फोर्थ रो में हमारी फोर डबल क्रोशिया बन जाएगी। तो गाइज इसको इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे, यानी जब तक हमारी 10 डबल क्रोशिया नहीं बनकर आ जाती, जब तक हम इसी तरीके से पैटर्न को बनाते जाएंगे। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी तीन आ रही है, तो फिर अगले रो में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से बीच में जो हमारी ये आ रही है, तो 10 डबल क्रोशिया बन जाएगी। कि उसके बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस करेंगे।
आगे हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया नीचे से बना ली, देखिए ये हमारी ऊपर से आ रही है, इसको हम ऊपर से बनाएंगे। उसके बाद देखिए पास वाली चैन में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद से देखिए नीचे से डालकर हम बनाएंगे, एक दो तीन। देखिए एक एक पैटर्न में हमारी 3 आ रही है, तो देखिए हमारी बीच में ये पैटर्न बढ़ती जाएगी तो यूँ फैलती जाएगी। जिस तरीके से हमने ये बनाई हुई है, देखिए यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया बनकर आई है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए इतना रो, 10 रो हम बनाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे की प्रोसेस हम किस तरीके से बनाएंगे। तब मैं बड़े साइज की बना रही हूँ, ये छोटे बेबी क्या है, तो मैं 11 रो बना लूंगी। मैं 10 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, तो गाइज मैं 11 रो बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम आगे बनाएंगे। तो चलिए इतना कम्प्लीट कर लीजिए, बिल्कुल इसी को रिपीट करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है गाइस। तो देखिए इसको हम ऊपर से बनाएंगे और देखिए पास वाली चेन में हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नीचे से हम बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम 11 रो कंप्लीट कर लेंगे। मैं 11 रो कंप्लीट करूंगी क्योंकि मैं 10 से 11 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। आप छोटे बेबी के लिए बना रहे हैं तो 9 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, तो अच्छी बनकर आ जाएगी। तो देखिए पास वाली चेन में हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद से जो हमारी चेन आ रही है उसको हम नीचे से बनाएंगे तो हमारी बढ़ती हुई चली जाएगी। 11 रो बनाने के बाद गाइज हमें फंदे को कम करना होगा, तभी जाके हमारी कैप बिल्कुल फिट बनकर आएगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। देखिए गाइज मैंने 11 रो कंप्लीट कर ली है, तो देखिए इस तरीके से हमारी कैप बनकर आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अब हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं, इतना ही रो रखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। पहले बता दूं, देखिए गाइज ये किसी भी बच्चे के लिए बना रही है, तो सर को इस तरीके से हम रख के नाप लेंगे ऊपर, उसके बाद से ये हमारी चौड़ाई बन गई है, उसके बाद से हम लंबाई बनाएंगे। सर के ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे और जो हमारी कान पट्टी आती है वहां तक की लंबाई हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारी बनकर आएगी। तो देखिए मैंने 11 रो कंप्लीट कर ली है बनाकर। तो देखिए इसमें हमने डबल क्रोशिया 11 रो बनाई हुई है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारी डबल क्रोशिया बड़ी हुई थी वो है, तो 12 डबल क्रोशिया बनकर आ रही है। देखिए यहाँ से इधर हम साइड 2 डबल क्रोशिया कम करते जाएंगे और इधर से हमारी बढ़ती जाएगी, तो बिल्कुल बराबर बनकर आएगी। तो चलिए यहाँ से हम बना लेते हैं। तो इसी तरीके से आप भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, इसके बाद देखिए आगे बीच में हम डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद से देखिए इसको हम पीछे से निकालेंगे और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इसको हम पीछे से ही निकाल कर बनाएंगे तो हमारी पैटर्न बनती जाएगी। बहुत इजी कैप है बनाना और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। मैंने एक दिन में बनाकर रेडी कर ली थी। और इसमें बिल्कुल सर्दी नहीं घुसेगी, अंदर घसी हुई पैटर्न है ये। देखिए इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारे 1 और 2 डबल क्रोशिया बच गई है, तो इसको देखिए हम इस तरीके से, देखिए 1, 2 इसको हम पूरा नहीं निकालेंगे, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे,
देखिए एक ही बार हम निकालेंगे तो 1 2 3 तीन हमारी धागे आ गए हैं, तो इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे। उसके बाद से देखिए ये हमारी ऊपर से पैटर्न आ रही है, तो इसको हम ऊपर से बना लेंगे। फिर देखिए आगे बीच में हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम नीचे से बनाते जाएंगे तो हमारी पैटर्न बढ़ेगी नहीं। हमारी 12 डबल क्रोशिया बन कर आई थी तो 12 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात आठ ये हमारी 10। देखिए इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए हमारी 3 धागा आ गई हैं, तो इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे। इसी तरीके से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जो हमारी ऊपर से आ रही है तो इसको हम ऊपर से बनाएंगे, जो हमारी इस तरीके से ये पैटर्न बनकर आएगी। और देखिए आगे वाले चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे से बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइज हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशिया हमने बना ली है, और 2 देखिए हमारी बच गई है यानी 12 बनकर आई हुई है। तो देखिए इसमें हम डालेंगे और एक कर लेंगे। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में डालेंगे एक कर लेंगे। तो देखिए हमारे 3 धागा आ गई हैं, तो इसको हम एक ही बार में निकालेंगे और इस तरीके से ऊपर से जो आ रही है उसको हम डबल क्रोशिया ऊपर से बनाएंगे। फिर देखिए इसके आगे चैन में डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, और जब तक हमारी लंबाई हो नहीं जाती जब तक हम इसी को आगे रिपीट करते जाएंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद दूसरी राउंड आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइज मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर ली है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डालेंगे ऊपर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 2 धागों को हम एक साथ ही रहने देंगे और जो हमारी चैन आ रही है इसमें डालेंगे और एक साथ निकाल। उसके बाद देखिए 3 चैन बनाएंगे, फिर आगे वाले चैन में हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे। के बाद से देखिए इसको हम पीछे से बनाएंगे। पीछे से ये बनाकर हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो इधर हमारी फंदे कम होगी, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको देखिए हमने कम की हुई थी फंदे। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे जब तक हमारी लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। लंबाई कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे और नीचे हम लटकन भी लगाएंगे, यानी मुफलर टाइप में हम बनाएंगे। तो हमारी चौड़ी पट्टी नीचे की रहेगी। पहले हम लंबाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम नीचे से ही बनाते जाएंगे। देखिए अब हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई है। ये हमारी जो 2 दिख रही है इसमें हम एक ही बनाएंगे। तो देखिए आगे वाली जो आ रही है इसमें हम डालेंगे और धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर देखिए इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए 1 2 3 धागे आ गए, तो इसको हम एक साथ निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए जो हमारी ऊपर वाली पैटर्न आ रही है इसको हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसी तरीके से हम प्रोसेस करते जाएंगे।
अब ये हमारी नीचे से आ रही है तो हम नीचे से बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमारी हम यहाँ से काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखिए 12 डबल क्रोशिया हमारी बनकर आ गई है। तो ये नहीं हमारी घट रही है और नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं घटाना है और नहीं बढ़ाना है। तो इसी तरीके से हमारी लंबाई कंप्लीट होगी, नहीं हम बढ़ा रहे हैं और नहीं घटा रहे हैं। तो एक तरफ से बढ़ रही है तो उसको हम इधर साइड से कम कर दे रहे हैं, तो इसीलिए हमारे बिल्कुल बराबर बनकर आएगी। और इसी के साथ हम अपने लंबाई को कंप्लीट करेंगे तो हमारी कैप बनकर रेडी हो जाएगी। आप किसी भी साइज की बना सकती हैं। तो ये मैं 10 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर हम उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे और जब तक हमारी लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब इसी तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। देखिए ये हमारी 2 डबल क्रोशिया आ रही है, ये एक साथ आ रही है तो हमने फर्स्ट टाइम पे इसको कम की हुई थी तो ये हमारी एक बनकर आ गई है, तो इसको हम एक ही मानेंगे। तो देखिए इसमें हम डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर देखिए ये जो हमारी डबल दिख रही है इसको हम एक साथ ही निकाल लेंगे। देखिए 3 आ गई, उसके बाद इसको हम एक बार में निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए जो ऊपर से आ रही है इसको हम ऊपर से ही निकालेंगे। तो गाइज इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी कैप बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए इसी तरीके से हमारी ये कैप बनकर आ गई है। तो ये मैंने 3 से 4 ईयर गर्ल्स के लिए बनाई हुई है। गर्ल्स को गर्ल्स देखिए किसी भी बेबी के लिए आप बना सकती हैं, गर्ल हो या बॉय हो किसी को भी हम पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी कैप बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल छोटे बेबी के लिए आप बना रही हैं तो यहाँ से 9 से 10 रो बनाने के बाद से फंदे कम करते चले जाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगी। तो मैं 10 ईयर गर्ल्स के लिए बना रही हूँ तो इसीलिए हमने 11 रो बनाई हुई थी और उसके बाद से हम फंदे कम कर रहे हैं तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगी। जो हमारी लंबाई है उसको हम बना लेंगे, कम्प्लीट कर लेंगे, नाप ले लेंगे इस तरीके से और जो हमारी लंबाई आएगी उसके बाद से कंप्लीट करने के बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से आप भी कंप्लीट कर लीजिए। गाइस इसकी खासियत ये है कि इसमें कहीं से भी सिलाई नहीं आती है, बिल्कुल यूं ही बनकर रेडी हो जाती है। देखिए इसमें कहीं से भी सिलाई नहीं आई है और कितनी अच्छी कितनी प्यारी कैप बनकर आ गई है। तो इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर बनाइएगा। तो चलिए मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कि ये बॉर्डर हमने किस तरीके से बनाई हुई है। देखिए इसी तरीके से हम चौड़ाई में अपना नीचे की बनाएंगे। तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। गाइज मैं कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने लगे कि मैं क्या बता रही हूँ और क्या बना रही हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जो भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज हम इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं और एक बार समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 आ रही है तो इसको हम एक करेंगे और यहाँ पे हमारी एक इसमें भी हम एक करेंगे, 2 डबल क्रोशिया हम कम करेंगे। देखिए इसको हम पीछे से ही बनाते जाएंगे। देखिए अब हमारी 2 डबल क्रोशिया बची हुई है। देखिए इधर 2 डबल क्रोशिया आ रही है तो इसमें आगे वाले में हम डालेंगे और धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और धागे को एक ही बार निकालेंगे। जो हमारी 3 धागा आ रही है इसको हम एक बार में कर लेंगे। उसके बाद से ऊपर से जो आ रही है हम उसको ऊपर से ही बनाएंगे।
तो इसी तरीके से हम राउंडों को कंप्लीट करेंगे, यानी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं पूरी कंप्लीट करके उसके बाद आपको दिखाऊंगा। गाइस देखिए हमारी कैप की लंबाई बनकर आ गई है। तो देखिए मैंने अपनी लंबाई अपने अकॉर्डिंग बना ली है। मैं आपको इन टेप पे भी दिखा देती हूँ कि कितनी लंबाई इसकी बनकर आई हुई है। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच बनकर आई हुई है लंबाई। इसके बाद से हम बॉर्डर बनाएंगे। तो आप तो किसी भी साइज बॉर्डर बना लेंगे इसी तरीके से। देखिए इसमें कहीं से भी सिलाई नहीं आई है। यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए इसको हम ऊपर से निकालेंगे और एक नीचे से, यानी हमें बॉर्डर बनानी है तो एक आगे से एक पीछे से हम इसी तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। देखिए उसको हमने पीछे से बनाई तो इसको हम आगे से बना लेंगे। देखिए इसको हम पीछे से बनाएंगे। इसी तरीके से हम 4 रो कंप्लीट करेंगे तो हमारी आगे की बॉर्डर बनकर आ जाएगी। उसके बाद से हम उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनानी है। देखिए हम 4 रो बना लेंगे। सिर्फ हमें बॉर्डर बनानी है तो पीछे साइड से निकालनी है, उसके बाद ऊपर साइड से निकालनी है। देखिए हमने इसको पीछे से बनाया तो अब इसको हम ऊपर से बनाएंगे। देखिए इसको पीछे से बनाएंगे। अब ये हमारी ऊपर से आ रही है, इसको हम ऊपर से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम 4 रो बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं 4 रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने बॉर्डर बनाई हुई है। देखिए गाइस कैप की मैंने बॉर्डर बना ली है, 4 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ से देखिए इस तरीके से हम किसी भी बेबी के लिए, जिस बेबी के लिए हम बना रहे हैं उसके सर पे इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे कि हमारी कान पट्टी कहाँ से आ रही है। तो हम वहाँ से बनाएंगे बांधने के लिए। तो देखिए यहाँ तक मैं बना लूँगी, यानी 12 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे और जो हम बना रहे हैं पैटर्न उसी को आगे हम रिपीट करेंगे कि 1, 2। देखिए हमारी ऊपर से आ रही है तो इसको हम ऊपर से लेंगे और काउंट करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो 12 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यानी 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम अपने लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेंगे। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाई हुई है। 12 बनाने के बाद मैंने 2 डबल क्रोशिया और बना लिए क्योंकि हमारी इसकी चौड़ाई कम लग रही थी, इसलिए मैंने 14 बनाई हुई है। तो देखिए गाइस जैसे इस तरीके से हमने ये कैप में बनाई हुई है तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। मैंने इसमें 10 बनाई हुई थी और मैं इसमें 14 बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये छोटी बेबी के लिए है। तो ये जो पट्टी मैं बना रही हूँ इसी थोड़ी मुझे चौड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने 14 रखा है। अगर आपको इतनी पतली बनानी है तो आप इस तरीके से पतली बना सकते। तो देखिए यहाँ पे हमने 14 बना लिया है। अब आगे इसी को जितनी हमें लंबाई रखनी है तो आगे हम इसी को रिपीट करेंगे और इसी तरीके से हम दोनों तरफ बना लेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने ये दोनों तरफ बना ली है इसी तरीके से हम इसमें भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम टर्न कर लेंगे और 3 चैन बनाएंगे। तो जो हमारी ऊपर से पैटर्न आ रही है उसको हम ऊपर से ही बनाएंगे। देखिए ये हमारी जो आ रही है इसको हम ऊपर से बनाएंगे
और जो हमारी पीछे से आ रही है उसको हम पीछे से बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाकर लंबाई को पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। 14 डबल क्रोशिया आ रही है तो 14 डबल क्रोशिया हम बनाकर कंप्लीट करेंगे जितनी हमें लंबाई रखनी है। तो पूरी लंबाई करने के बाद में बनाकर आपको फाइनली दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारी टोपा बनकर आई हुई है। तो चलिए आप भी कंप्लीट कर लीजिए और बना लीजिए। इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए हम टर्न कर लेंगे, उसके बाद थ्री चेन बनाएंगे। और देखिए हमारी ये ऊपर से आ रही है तो इसको हम ऊपर से ही बनाएंगे, फिर इसको पीछे से बनाएंगे। तो चलिए मैं पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ और इसमें मैं झालर भी लटकाऊंगी। तो किस तरीके से मैं झालर लटकाई वो भी आपको दिखा दूंगी, किस तरीके से हमने लटकाई हुई है। तो चलिए बनाकर मैं दोनों तरफ की कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको फाइनली लुक दिखाऊंगी। बहुत प्यारी लगती है गाइज, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो हम इसी तरीके से इसको बनाकर रेडी करेंगे। देखिए हमारे इसी तरीके से लंबाई कंप्लीट होगी। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस। देखिए हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है और लंबाई हमने अपने अकॉर्डिंग बना ली है। और इसमें देखिए नीचे हमने झालर को भी लटकाया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से लटका सकती हैं।